सो गाइज गुड मॉर्निंग, और ये चेक कर मैं अपनी मॉन्स्टर खड़ी यहाँ पे, और आज गाइज इसको मैं पूरी मॉडिफाई कराने वाला हूँ, वापस जैसे थी वैसी कराऊंगा। इसके अंडरबेली चेंज करवा देंगे, और जो इसके मतलब है ना एग्जॉस्ट है ना गाइज, इसका मैंने अभी ये देखा कि भाई यार ये ब्रेक हो चुका है ऐसे, तो मैं सोचता हूँ इसको पूरा पहले तो इसको चिपा दूंगा ऐसे, फिर इसको पूरा कार्बन करवा दूंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आगे का जैसे कि आपको बताया था पहले कि भाई ये वाली चीज़ जो स्क्रैच आ रहे हैं अंदर, ये भी थोड़ा सा कार्बन करवा लेंगे। और इसके जो सीट्स हैं ना गाइज वो भी फट चुके हैं, तो कवर और देख रहा हूँ यार कि चेंज करवा ही देते हैं। और ये वाला जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये भी चेंज करवा ही दिया है, नया लगा दिया था। तो अब जो इसका गाइज है ना पीछे से आप ये चेक करो भाई, नंबर प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऑफ रोड में विश्वास हुई नहीं, टोक दी थी तो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही मुझे। और देख रहा हूँ ब्रेक भी हो गई, जो आर दिख रहा ना गाइज जी पूरी ब्रेक हो चुकी है नंबर प्लेट, और इसका जो ये भी हट गया है। और गाइज इसका जो वाइजर है ना भाई वो भी आ चुका है, ये चेक करें आप, बाप रे बाप कसम से भाई वापस वैसे ही कर देंगे इसको, कोई चक्कर नहीं है। देख रहे भाई ये देख लो कैसी लग रही है गाइज, कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब जो अपनी मॉइस्चर है ना गाइज वापस वैसे ही कर देंगे अपन, कोई चक्कर नहीं। आज से मतलब चार बीजा वाला ना वो क्या ज़्यादा कॉस्टली लगता है, तो कोई चक्कर नहीं, करानी तो पड़ेगी। अब आपको लेते हैं सीधा बाइक पे। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आई होप कि आप लोग सब बड़े होंगे। तो गाइज यार अभी चल रहे बाइक का कुछ काम करा रहे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब वाइजर भी आ गया, तो यार भाई वो मेरे से लग नहीं रहा है, तो कोई चक्कर नहीं है भाई, उसको भी कंपनी से लगवाएंगे। और जो कांच है यार वो भी लग नहीं रहा है, मतलब कि वैसे थोड़ी फिटिंग नहीं बैठ रही, और कुछ नहीं भाई कंपनी से सारा काम करा लेंगे। और एग्जॉस्ट है उसका जो कवर है भाई उसके भी स्क्रैच आ गए, वो थोड़ा मतलब टूट फूट गया है, तो उसको भी ठीक कराएंगे, और आगे भी रैप वैप करवा लेंगे भाई। पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है भाई कसम से, नेक्स्ट लेवल। ना दूसरा वाला है भाई बजाज वाले शोरूम, इधर चलेंगे और यहाँ से करवाएंगे भाई, पुलिस वाले से सल्यूट है सर, तो भाई फुल पावर सर, सर को देख रहे थे भाई कसम से। तो भाई यार अभी तो भाई भाई सर को देख रहे थे भाई फुल पावर, सर सल्यूट दे रहे थे कसम से। और अभी चलते भाई बाइक का मस्त सारा काम करवाने, और आज अपन दूसरे वाले शोरूम चलेंगे, क्योंकि यार गाइस ना वो वाला है ना थोड़ा कॉस्टली लगता है, बट यार कोई चक्कर नहीं है। बट यार वहाँ मतलब जैसे कि मैंने ना ये राइट वाला फुटरेस है ना भाई, और जो अंडर वैली है, मतलब इसके 600 या 400 रुपये ले रहे थे लगाने के, मतलब इतना कुछ नहीं था, हालांकि 150-200 रुपये लेते थे, तो कोई चक्कर नहीं भाई, मैं दे भी देता, बट यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली भाई, इतना तो नहीं हो पाता भाई। अभी अपन ने स्टार्ट किया यूट्यूब, तो इतनी अर्निंग तो है भी नहीं भाई, घर वाले देते जो भी देते हैं। और गाइस जो सोफिया की तरह बजाज का शोरूम जो जहाँ से अपन ने बाइक ली थी, तो वहीं से करवाते हैं भाई आज अपनी जो बाइक है पूरी ठीक। इस मोहित भाई भी बोले कि यार तो ऑफ रोड में ले जाता है, इसको गिरा देता है, स्क्रैच व्क्रैच आ जाएंगे, तो इसको जल्दी से ठीक करा के मुझे दे दे, नहीं तो मैं फिर तेरी बाइक ले लूँगा। मेरी एक बार की भाई फट गई कसम से कि क्या करे यार, अगर मोहित भाई को अपनी बाइक दे देगा तो भाई अपन को फिर यही चलानी पड़ेगी, और कोई चक्कर नहीं है। मैंने बोला कि यार कोई चक्कर नहीं है, आज या कल मैं तेरी पूरी बाइक कंप्लीट करके तुझे दे दूंगा। जो आज है ना मेन काम है अपना, एक वाइजर है और इसके जो कांच है वो, और हल्का फुल्का रैप वैप है, और जो अंडरवेली मिल गई ना गाइज तो हैंड टू हैंड लगवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। बट वो ये यार कॉस्टली बहुत पड़ रहा है यार, इसके आर एस के पार्ट जो मुझे कसम से भाई, बाप रे बाप, ये तो बजाज का शोरूम जो है खाली पड़ा है भाई, क्या चक्कर है ये, देखते भाई अंदर चल के, कोई चक्कर नहीं इस बार की। भैया बजाज का शोरूम था ना यहाँ पे है, ठीक है। अंडरवेली मिलेगी या ऑर्डर पे आएगी अंडरवेली? गाइस यार ये चक्कर भाई पर आ गए कंपनी, और यहाँ पे पूछते हैं भाई अंडरवेली जो है कितने की क्या है, बाकी भाई देखते क्या सीन है। ये बता दो अंडरवेली कितने की है, 300 कुछ। गाइस यार ये चेक कर भाई राइट साइड की जो अंडरवेली है ये, और गाइस जो चार भुजा वाली कंपनी है ना उससे थोड़ा कम ही रेट में पड़ रहा अपना अंडरवेली जो है इस बाइक की, कोई चक्कर नहीं भाई। अब एक दो जो काम है पहले, मैं सोच रहा हूँ कि यार है ना एक बार वहाँ पे पूछ ही लेते हैं कि भाई कितने का क्या पड़ रहा है, एक बार कन्फर्म हो जाने कि भाई इतनी रेट है, तो कोई चक्कर नहीं भाई अपन यहाँ से ले लेंगे, अगर सेम पड़ रहा है 300 कुछ का तो वहाँ से ले लेंगे। गाइस अब चलते भाई कंपनी में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या सीन है, और देखते हैं भाई, ठीक है गाइस अब चलते हैं भाई आगे। भाई इनको क्या हो रहा है, भाई इनको क्या हो रहा है, हाँ जी क्या हो गया, जो एक्चुअली मैं भी लेट हो रहा हूँ, तो भाई चलो यार इनको छोड़, आपको अर्जेंट है ज़्यादा, चलो ठीक है न्यू चौपाटी तक आपको छोड़ना बस,
ठीक है बैठ जाओ भाई। ये क्या सीन हो गया समझ ही नहीं आ रहा भाई। कोई चक्कर नहीं भाई, इनको छोड़ देंगे चौपाटी, फिर अपनी जो बाइक का भाई काम करा लेते हैं। भाई मेरी तो एकदम धड़कने है जो 100 की स्पीड में धड़क दी भाई। ये क्या सीन हो गया एकदम से, मतलब लिफ्ट मांग ली भाई, क्या सीन है समझ ही नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, अरे यार ये क्या सीन हो गया भाई। सुबह सुबह भाई फट रही है, क्या करें भाई। एक तो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर को लिफ्ट दे दी, समझ नहीं आ रहा है। आपके क्या फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं? अच्छा चलो कोई चक्कर नहीं है। ओके तो गाइस इनको पहले चौपाटी छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या सीन हो गया यार। कसम से मैंने जो दिन लेना भाई 110 की स्पीड से धड़क रहा है भाई, कसम से पता ही नहीं यार चलते चलते कौन बीच में आ गया, किसको बिठा लिया। एक बार क्या यार, हाँ ठीक है मैं अगर वैसे तो मैंने बहुत सारे स्ट्रेंजर जो भाई है ना उनको लिफ्ट देता हूँ, स्कूटी पे रहता हूँ या बाइक पे रहता हूँ ना। अगर आपने लास्ट वाला जो द आर्चीज कैस्टल जो कैफे है ना भाई, वहाँ पे भी गया था ना एक बंदा था, उनको भी लिफ्ट दी थी मैंने। बट यार ये तो लड़की है भाई। अरे भाई देखो कैसे जा रहा है यार भाई, ये तो लड़की है। अब कल ना पड़ से आए इनके पेरेंट्स देख ले तो भाई नफड़ा ही है कहीं यार। इनको पहले छोड़ते हैं फिर यार अपनी बाइक का जो काम है वो करवाते हैं यार। मोहित भाई नहीं तो मेरे को खा जाएंगे, बोलेंगे भाई तू क्या क्या करता रहता है यार, जब तेरे को एक काम खा तो फालतू में पता नहीं किस चीज़ को लिफ्ट देते रहते हैं। और वो बोलेंगे इसलिए यार पहले जल्दी से छोड़ते हैं। हालांकि भाई वो ब्लॉग देखते सारे बड़े के चक्कर है भाई, कल ना पड़ से कुछ सीन हो जाए यार। हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है ठीक है। हाँ भाई ये क्या सीन है भाई, कसम से समझ के बाहर हो रहा। आज तो मेरे साथ क्या हो गया भाई, विश्वास भाई होने चाहिए थे इस टाइम, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता वो साथ रहते थे कसम से। उन्हें जल्दी से ड्रॉप करते हैं भाई, मेरे तो दिल जो है ना 110 की स्पीड से धड़क रहा है। अगर कुछ कल ना पड़ से कुछ हो गया ना भाई रास्ते में अभी इनको, या फिर किसी ने देख लिया इनके फैमिली मेम्बर ने, तो मेरे पे सारा ढुल जाएगा कि भाई तू किसको लेके क्या घूम रहा है। हालांकि अपने वास्ते कोई चक्कर नहीं है, वीडियो इनने आगे से घूमने लिफ्ट मांगी हो तो कोई चक्कर नहीं है। और वो जल्दी से छोड़ देते हैं यार भाई। एक्सक्यूज मी, न्यू चौपाटी आ गई है? आपके इनसाइड भी मिल सकती है? क्यों, या कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कभी कॉन्टैक्ट करना हो तो? ऐसा क्यों, मतलब प्राइवेसी है, स्नैपचैट है कुछ? तो आपने भी तो मतलब मेरे को स्ट्रेंजर समझ के लिफ्ट मांगी ना, इसलिए तो कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट, इसलिए। या फिर मैं अपनी इंस्टा आईडी बता दूँ, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। क्यों, अबे आपने आपके दोस्त से बात तो की थी? हाँ पुलिस की वैसे अजमेर में बहुत जा सकती हो रही है अभी। तो आप यहाँ क्या बैठोगे? वैसे यहाँ पे आसपास में कोई कैफ़े, अगर कोई प्रॉब्लम ना तो कॉफ़ी। वैसे तो स्ट्रेंजर हूँ बट आप ना ही करोगे इसलिए मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। अगर वैसे आप 15-20 मिनट बैठोगे यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं, आप चल चलो कॉफ़ी पी के मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा वापस यहीं पे। आपके फ्रेंड से बात कर लो एक बार और कि भाई उनको कितना क्या टाइम लग रहा है। आप बैठोगे इससे अच्छा तो मैं आपको, मतलब कॉफ़ी पी के आए थे अपन और, तो फिर मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा इधर। फिर मैं भी अपना बाइक, मैं तो एक्चुअली मैं क्या अपनी बाइक का काम कराने निकला था, मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। हाँ लिटरली कसम से, नहीं नहीं अगर मैं अभी आपने देखा मतलब यार, तो मतलब बहुत जनों ने YouTube स्टार्ट कर रखा है अजमेर में तो। हाँ मैं तो क्या अपनी बाइक का क्या एक्चुअली में काम कराने आया था, मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था इसलिए।
आपको चलना है तो चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब ज़बरदस्ती है, आपकी इच्छा हो तो चल सकते हो कॉफ़ी पीने। मैं आपको 15-20 मिनट में ड्रॉप कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। हाँ इधर कर दूंगा मैं, मेरे को क्या बाइक का काम कराना है एक्चुअली, तो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं छोड़ सकता हूँ 15-20 मिनट बाद। चलो हाँ कोई चक्कर नहीं है। ये क्या हो गया भाई, हाँ बता रहा हूँ ना एक्सीडेंट हो गया था इसमें भाई। ये क्या हो गया भाई, कॉफ़ी के लिए तो हाँ बोल होगा इनको छोड़ना वापस यहीं पे, और बोल रहे कि यार इनके जो दोस्त है तो वो कुछ देर बाद आएंगे यहाँ पे, मतलब 15-20 मिनट बाद आ रहे हैं, तो मेरे वाला कोई चक्कर नहीं यार, आपको मैं 15-20 मिनट बाद वापस यहाँ पे छोड़ दूँगा। और गाइस जल्दी से कॉफ़ी वॉफी पीते हैं, फिर इनको वापस जल्दी ड्रॉप करते भाई, और फिर अपन चलते हैं भाई बाइक का काम करवाने। और भाई लिटरली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि यार इनने कॉफ़ी के लिए यहाँ कर दी भाई, इतनी खुशी आज तक आपके भाई को है ना किसी लड़की ने या किसी स्ट्रेंजर ने कॉफ़ी के लिए हाँ नहीं की भाई। भाई कसम से आपका भाई बहुत खुश हो गया भाई। भाई एक आप बोलोगे कि भाई है ना ये बहुत मतलब रेयर चांस रहता है कि भाई कोई लड़की है ना लिफ्ट मांगती है, मैंने भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं तो आपको बताया भाई बाइक का काम कराने निकला और ये क्या हो गया मुझे तो पता ही नहीं भाई कसम से। कोई चक्कर नहीं, अभी इनके साथ कॉफ़ी पीते हैं, इनको जल्दी ड्रॉप करते हैं। मेरे चक्कर भाई अपना कैफे पे और इनके साथ जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं, यार अपन चलते हैं बाहर। तो गाइस यार ये चक्कर भाई अभी तो यहाँ पे चाय आ गई है और जो इनकी ये चाउमीन आ गई है, तो मास्क से हटा लो यार, नहीं हटाओगे तो भाई ये मास्क से हटाने के लिए मना कर रहे हैं। तो गाइस यार जल्दी से ऐसे चाय पीते हैं और फिर चलते हैं अपन बाइक को मिलते सीधा गाइस निकलते। और गाइस यार यहाँ से निकलते हैं और चाय भी पी ली और इनको चाउमीन खानी थी, दे भी खा ली। कोई चक्कर नहीं भाई, अब चलते हैं, इनको जल्दी से छोड़ते हैं भाई। बाइक का भाई कुछ भी काम नहीं हुआ आज, देख लो आज का दिन भी ऐसे निकल जाएगा मुझे लग रहा है, बट यार कुछ ना कुछ तो करवाएंगे बाइक का काम, नहीं तो भाई लफड़ा बहुत है ना। अभी एक बज चुकी है और भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है और इनको जल्दी से ड्रॉप करते हैं नीचे पार्टी के यहाँ पे, और फिर अपन चलते हैं भाई थाईलैंड। और भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्यूट है भाई, कसम से समझ रहे हो आप नेक्स्ट लेवल भाई, कसम से नेक्स्ट लेवल है, समझ रहे हो। अभी मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, नहीं तो सुन लेंगे यार ये। और भाई मैंने इनका फेस तो देख लिया, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि यार आपका फेस दिखा सकते हो क्या, मेरी जो ऑडियंस है इनको, और फिर इनका जो भी रहेगा भाई आप ये चेक कर लेना, हाँ करें तो ठीक है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी इनका इंस्टा आईडी है जो मैंने ले ली भाई, कैसे भी कर करवा के रिक्वेस्ट करके अब इनसे इंस्टाग्राम पे बात करेंगे भाई शाम को, कोई चक्कर नहीं है भाई, कसम से भाई नेक्स्ट लेवल बजाने वाला। इनको जल्दी से ड्रॉप कर देते हैं, चौपाटी आ चुकी है। आपको कहाँ पे ड्रॉप करूँ, यही पे? आपके फ्रेंड्स नहीं आएगा? ठीक है ओके बाय बाय है ना, ओके आपका फेस दिखा सकते हो, कोई चक्कर नहीं, चलो कोई चक्कर नहीं, ठीक है ओके बाय। तो भाई कसम से बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया, और अब चलते हैं भाई जल्दी से बाइक का काम करवाते हैं, कोई चक्कर नहीं है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। आपके भाई को इंस्टाग्राम आईडी दे दी भाई, कसम से चेक कर रहे हो। अब जल्दी से चलते हैं भाई थाईलैंड और बाइक का काम कराते हैं, और अब आपको मिलते हैं भाई सीधा थाईलैंड में। अगर भाई अपन आ गए मार्केट के साइड और अपनी बाइक का काम करवा लेते हैं यार भाई, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा लेट हो गया भाई कसम से यार, मतलब अगर वो नहीं मिलता है ना भाई तो अपन अब तक तो काम ही कंप्लीट हो जाता पूरा बाइक का। तो भैया ना बस फ्री रहने चाहिए और कुछ चक्कर नहीं भाई। कैसे हो पैसा नहीं किया तो, नहीं हाँ गाड़ी चेंज है ना दूसरी वाली, इसका थोड़ा कुछ काम करा रहा है। हाँ तो भाई यार ये चक्कर भाई, मैं भैया की शॉप पे आ गया था और ये भैया की शॉप है यहाँ पे, तो कभी भी कुछ काम हो तो भाई यहाँ पे आ जाना, और अपनी ये मॉन्स्टर इसका जल्दी से काम कराते हैं भाई, जो इसका कवर है वो मैंने खोल दिया है। और भाई यहाँ पर लाइट जा चुकी है, चक्कर है भैया वहाँ पे गए हैं मतलब लाइट वाइट का पूछने, बाप रे बाप। और इस गाइस इसका तो मैंने पूछ लिया भैया 300 कुछ का पड़ रहा है दूसरी वाली कंपनी में भी,
तो वहाँ से करवाते हैं इसका जल्दी। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इधर भी मोटो ब्लॉग रेज्यूमे लिखवाते, थोड़ा छोटा लिखवाएंगे इधर और उस साइड तो लिख रखा उसको हटवा के छोटा लिखवाएंगे। तो भाई भैया आ जाए फिर अपन करवाते काम। और ये चक्कर भाई भैया की शॉप कुछ काम हो तो आ जाना भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये चेक करो भाई, अभी इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है और अभी जो कार्बन फाइबर अपन कराने के बाद चेक करना भाई, कोरोना वाला भाई फुल पावर। भाई यार ये चेक करो भाई, अपना जो कार्बन है ये हो चुका, देख रहे हो भाई कैसा लग रहा है इस कमेंट में जरूर बताना। और अपन इस साइड भी मोटो ब्लॉग रेज्यूमे लिखवा लिया, क्योंकि यार पहले वाला था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड भी था और कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो दोनों साइड चेने चेंज करवा लिए। चेक करो भाई, और अब चलते भाई घर। और जो यार अंडरवेली है वो कल परसों हम देखेंगे भाई, आज तो पूरा दिन हो गया मतलब यहीं पे मेरे को 4 बज चुके, तो कोई चक्कर नहीं भाई। अब चलते हैं घर और मिलते सीधा रोड पे, एक नंबर काम करते, कोई चक्कर नहीं भाई। अब चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि घर से ही बहुत ज़्यादा कॉल आ गया। आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, जैसे ही पता यार वो स्ट्रेंजर अलग मिल गई तो उसको भी लिफ्ट दे दी थी, उसके चक्कर में भी कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। बाप रे बाप, अब यार आज तो मतलब बातिंग भी नहीं की है कसम से भाई। अब कल ही लाएंगे, क्योंकि यार जुकाम भी लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा यार आपको। तो गाइस यार अब चलते हैं घर। आई होप कि गाइस यार ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना, और ऐसे नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।